क्या आप ये बात जानते हैं कि एडिडास और पूमा दो भाइयों की कंपनी है? क्या एडिडास को स्टार्ट करने वाला जो इंसान है वो है एडोल्फ टेस्लर, और उसका जो भाई है रुडोल्फ टेस्लर, उसने स्टार्ट की थी पूमा, क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और कंपनी विभाजित हो गई। सो दुनिया के दो टॉप मोस्ट शू ब्रांड्स बेसिकली दो भाइयों की है ना। अम्यूजिंग स्टोरी। एक और अम्यूजिंग स्टोरी है इसी बीच में, और वो है नाइकी की। आज मैं आपको नाइकी की स्टोरी बताने वाला हूँ। Hi, my name is Shitiz and this is my video blog. अच्छा लगा। There's a book जो मुझे Amazon में एक बार, मैं बायोग्राफीज अक्सर ब्राउज करता रहता हूँ Amazon में, मुझे ढूंढता रहता हूँ, मुझे बायोग्राफीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी बायोग्राफीज देख रहा था, मैं उसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि भाई किसकी बायोग्राफी है, तो पता चलता है कि वो एक ऐसे आदमी की बायोग्राफी है जिसने नाइकी बनाया है। मुझे ऐसी गलतफहमी थी कि नाइकी बहुत पुरानी कंपनी है, सालों से है, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड नेम है और एकेडमिक टाइम्स की जब भी रिपोर्ट आती है उसमें जो ब्रांडिंग होती है उसमें टॉप मोस्ट नेम हमेशा नाइकी का होता है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत ट्रस्ट है उसके ब्रांड पे। लोगों को स्पोर्ट्समैन वियर करते हैं, हर कोई बेसिकली आपको नाइकी पहने दिखेगा, कोई कुछ जाने ना जाने पर नाइकी का नाम मेरे ख्याल से हर किसी ने सुना हुआ है। तो इतना बड़ा ब्रांड है, सो उसको स्टार्ट करने वाला सालों पहले हुआ होगा मुझे ऐसा लगता था, पर पता चला कि वो एक बंदा है जो बेसिकली 30-40 साल पहले ही मार्केट में आया है। और एडिडास और पूमा काफ़ी साल पहले से थे, बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में एडिडास और पूमा स्टार्ट हुए थे। बीच में उनका झगड़ा हुआ और कंपनीज अलग हो गई, रुडोल्फ टेस्लर ने अपनी कंपनी बताई, जो कि मैं कहानी आपको बता चुका हूँ। पर शू नाइट जो बंदा था वो बेसिकली स्टैनफोर्ड में पढ़ता था और अच्छी एजुकेशन थी, अच्छी फैमिली से था और उसका फ्यूचर ब्राइट था। पर स्टैनफोर्ड में अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि यार मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो उसने अपने फादर को बोला कि पापा आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो उसके पापा ने जो उसके पैसे थे जो मास्टर्स डिग्री के वो उसको दिए और उसको कहा कि भैया यही पैसे हैं मेरे पास, या तो तुम मास्टर्स कर ले या दुनिया घूम ले। एंड ही चोज कि मैं दुनिया घूमूंगा। तो वो दुनिया घूमने निकल गया, तो वो अलग अलग जगह गया, इंडिया भी आया, थाईलैंड गया, इंडोनेशिया गया। इंडिया में वो कलकत्ता में रुका था जहाँ पर उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगेन स्टमक डिसऑर्डर्स, डायरिया, इंडिया का फूड अमेरिकन को सूट नहीं करता वैसे भी। सो एनीवेज वो कलकत्ता में अपना घूमता रहा, इधर उधर करते करते वो जापान पहुंचा, और जापान में इधर उधर घूम रहा था अगेन, तो उसको एक शॉप में एक शूज़ दिखे जो बड़े कंफर्टेबल टाइप के शूज़ थे, और वो एक टाइगर नाम की कंपनी थी जिसके वो शूज़ थे। वो देख रहा था कि बहुत लोग वो शूज़ पहन के घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं। उसने वो शूज़ खरीदे, उनको पहना, उससे रनिंग करनी शुरू करी, उसको बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। यूएस में उसने ऐसे शूज़ कभी देखे नहीं थे। तो वो क्या करता है, वो उन कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कॉन्टैक्ट करता है और कॉन्टैक्ट करके उनसे बोलता है कि आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं और मैं इस शूज़ की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ और इसको यूएस में बेचना चाहता हूँ। कोइंसिडेंटली वो जापानीज़ कंपनी भी कोई ऐसे बंदे ढूंढ रही थी जिनके थ्रू वो यूएस में अपनी होल्डिंग रख सके, अपने पैर रख सके और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर टू में पर्ल हार्बर हुआ था और जापानीज़ और यूएस के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, तो जापान भी अपना, ये कंपनी भी अपना जो होल्डिंग थी यूएस में ईजिली नहीं कर पा रही थी। सो इसके थ्रू उनको एक मौका मिला कि इस लड़के के थ्रू ये लोग अपनी एक होल्डिंग बना सकते हैं यूएस में। तो उन्होंने उसको फ्रेंचाइजी दे दी एक नए लड़के को जो कि 20 साल का था, उसको उन्होंने फ्रेंचाइजी दे दी। फिल नाइट जो कि ओनर था नाइकी का, उस टाइम पे नाइकी नहीं थी, उसने टाइगर शूज़ की फ्रेंचाइजी ली और बेसिकली वो लेके यूएस गया और वहाँ पे जाके उसने उन शूज़ को बेचना शुरू किया। और शूज़ की एक कंसाइनमेंट आती थी हर महीने, उसको वो बेचता था और शूज़ हाथों हाथ थल्ले से बिकने लगे, क्योंकि शूज़ बहुत अच्छे थे बेसिकली। और वैसे शूज़ अमेरिका में थे नहीं, सेम जो टोयोटा के साथ हुआ कि जनरल मोटर्स ने इतनी अच्छी कारें बनाई बट वो हैवी थी, और टोयोटा जो कार लेके आया उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत था, अलग मेटल का इस्तेमाल था जो कि बहुत हल्का था। तो टोयोटा की कारें अच्छा एवरेज भी देती थी और माइलेज भी अच्छा था, मेंटेनेंस कम थी। सो टोयोटा पहली कंपनी बनी अमेरिका में जिसने जीएम के सेल्स को कम कर दिया। अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट cars, this is about Nike. So anyways, so basically क्या होता है कि फिर उसके बाद वो आता है वहाँ पे अपना बिजनेस करने लगता है, और बिजनेस करते करते वो अपना घर भी ले लेता है, उसकी टीम हो जाती है, वो बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और वो लाखों रुपए कमा रहा है। पर बेसिकली एक अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी इस बंदे की पैशन को लेके, वो ये था कि इतना पैसा कमाने के बाद भी उसकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं होता था, क्योंकि जो भी पैसा आता था, जो भी पैसा प्रॉफिट के तौर पर आता था वो उनको बेचता था, उससे और जूते मंगाता था और वो सेल दुगनी करता था उससे, फिर से उतने जूते बेचता था, फिर जो प्रॉफिट होता था उसमें से एक पैर रखता था, एम्प्लॉयज़ को देता था, खुद कुछ पैसा खुद के लिए रखता था, उसके बाद बाकी पैसा भेज के फिर और जूते मंगाता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मतलब वो बंदा इतना पैशनेट था जूतों को लेके या बेचने को लेके या बिजनेस एस्टैब्लिश करने को लेके और ब्रांड एस्टैब्लिश करने को लेके कि वो इस पर ध्यान नहीं देता था कि उसके पास कुछ बच ही नहीं रहा है। तो 10
साल तक वो ये करता रहा और 10 साल बाद बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर होने के बावजूद उसकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं होता था। ऐसे में टाइगर कंपनी को ये रियलाइज होता है कि यार जूते तो वहाँ बिक रहे हैं और हमको इस बंदे को कमीशन भी देना पड़ता है, क्या हो अगर हम 10 साल हो चुके हैं, हमारी एक होल्डिंग भी है वहाँ पर, जूते बिक भी रहे हैं, ब्रांड वहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, क्यों ना हम अपने सेंटर डालने शुरू करें, अपने शोरूम्स खोल लें और वहाँ पर बेचना शुरू करें, तो हमको फिल नाइट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये उन्होंने प्लान किया और इस प्लान के बारे में फिल नाइट को पहले से थोड़ा सा पता चल गया, तो उसे समझ में आया कि ये लोग मेरे साथ कल्टी मारने वाले हैं। और वो थोड़ा सा घबरा भी गया, घबराया इसलिए क्योंकि उसको लगा कि उसका जो सेट किया हुआ बिजनेस है जो इस जूते के ब्रांड पे है वो तो ख़त्म हो जाएगा। और वो इस परेशानी में लोगों से बात करता था, सोचता था कि नेक्स्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट बिजनेस भी वो जूते का इस्टेब्लिश करने वाला था क्योंकि उसे जूते की काफ़ी नॉलेज थी, जूते की बिजनेस की काफ़ी नॉलेज थी, मार्केटिंग की नॉलेज थी, सब कुछ था। ऐसे में उसको अपना एक पीटी टीचर मिलता है जो कॉलेज में उसको पढ़ाता था। उस पीटी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि जो फुटबॉल खेलते थे उनको उनके पैरों में दर्द होता था, उनके लिए जो वेफिल का जो इक्विपमेंट होता है उसमें प्लास्टिक डाल के, उसमें रबड़ और प्लास्टिक का मिक्सचर डाल के पैटर्न बनाया था। उस पैटर्न को वो जूते के अंदर लगाता था तो वो थोड़ा फ्लफी रहता था, तो उस पैटर्न की वजह से फ्रिक्शन होता है वो नहीं बनता था। आपने अगर देखा हो जो जूते होते हैं नाइकी के, अगर आप उसको पलट के देखेंगे तो आपको वो वेफिल डिज़ाइन दिखेगा जिसमें होल्स होते हैं, तो होल्स उससे पहले होते नहीं थे जूतों में, जूते बेसिकली छोटे छोटे कट होते थे ताकि फ्रिक्शन डेवलप ना हो, अगर पानी है तो आप फिसले ना, पर वो इतने बड़े बड़े होल्स होते थे जिसकी वजह से जंप करना ईजी होता था, फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होता था और जूते थोड़े फ्लफी हो जाते थे। तो वो जो चीज़ थी वो उन्होंने डेवलप करी, वेफिल वाला जो प्लेट था और वो जूते में लगाना शुरू किया अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, मतलब वो जूते का जो सोल था वो बेसिकली वेफिल कोन में ही बनता था, वेफिल मशीन में बनता था बेसिकली, नॉट कोन, वेफिल मशीन में बनता था बेसिकली। सो वो आइडिया नाइकी के जो ओनर थे उस टाइम में, नाइकी नहीं थी बेसिकली, सो वो आइडिया जो था वो फिल नाइट को बहुत पसंद आया और उसने डिसाइड किया कि मैं ये आइडिया लेके पेटेंट कराता हूँ और उसके ऊपर जूते बनाऊंगा। तो उसने अपने पीटी टीचर से बात की, उनके साथ पार्टनरशिप करी, एक रॉयल्टी डिसाइड करी और उसके बाद उसको पेटेंट कराया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया हम अपने जूते बनाएंगे। अब उन्होंने मेक्सिको की एक कंपनी को ऑर्डर दिया कि इतने सारे जूते बनने हैं जो कि लाखों में थे, और जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने बताया कि आप ये जूते का ये डिज़ाइन है, ये साइज़ है, ये नंबर है, ये बना दो। अब जूते में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक चीज़ ये थी कि उसमें जो लोगो लगना था और जो नाम लिखना था वो एंड में होता है वो काम, क्योंकि प्रिंटिंग का काम होता है बेसिकली, तो इनिशियली उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया और इनिशियली उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में नाम और वो देंगे, लोगो देंगे, अभी आप सिर्फ जूते मैन्युफैक्चर करना शुरू करो। अब जो टाइगर कंपनी थी उसने US आना शुरू किया, उनके एग्जीक्यूटिव ने शोरूम के एम्प्लॉयज से मिलना शुरू किया, उन्होंने अपनी लैंड देखने शुरू किए, उन्होंने लैंड खरीदना शुरू किया, किराए पर चीज़ें ली, उन्होंने अपने स्टोर्स खोलने शुरू किए और फिल नाइट को ये बात नहीं बताई। फिल नाइट को जब ये बात पता चली उसने उन्हें कन्फ्रंट किया और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो टाइगर शूज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिल नाइट के हाथ से चला गया। पर फिल नाइट इसके लिए पहले से तैयार था क्योंकि उसने जूतों का ऑर्डर दे रखा था और वो उनको अब बेचने के लिए तैयार था कि मैं इनको बेचना शुरू करूँगा। मैन्युफैक्चर जो उनकी डिलीवरी डेट थी उससे कुछ एक हफ्ता पहले उनका फ़ोन आता है, वो अर्जेंटली कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आपके जूतों की हो चुकी है, अब लास्ट जो चीज़ बची है वो आपके लोगो और नाम है, अगर आप नहीं देते हो तो डिलीवरी में डिले होगा। लास्ट मोमेंट ये लोग कमरे में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या नाम होना चाहिए, क्या लोगो होना चाहिए, तो अपनी कज़न से पूछता है क्या नाम होना चाहिए, सबसे पूछता है बेसिकली क्या नाम और क्या लोगो होना चाहिए। सो जल्दबाजी में उसकी जो कज़न होती है वो उसको एक स्विच का राइट का साइन देती है कि ये लोगो बना दो शेयर करके, और बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं जो लोग कंपनी का रखते हैं, ब्लू रिबन करके एक नाम था जिस पर बेसिकली वो अपनी कंपनी पहले चला रहा था फिल नाइट, तो उसने डिसाइड किया कि यही नाम को मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे, बट लास्ट मोमेंट उसको डिसाइड उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वो नाम पसंद नहीं आ रहा था, तो उसमें से फिल नाइट ने सोचा कि कुछ और नाम सोचना चाहिए, कुछ इंस्पायरिंग नाम सोचना चाहिए, तो उसे याद आया कि मैं कंबोडिया में जो टेम्पल्स में घूम रहा था वहाँ पे एक ग्रीक गॉडेस थी विक्ट्री की, उसका नाम था नाइकी, तो उसने वो नाम जो था वो लिख के तुरंत उस कंपनी को फैक्स कर दिया और वो लोगो जो था सोच का वो भी फैक्स कर दिया जो डिज़ाइनिंग उसकी कज़न ने किया था, और वो दोनों भेज दिया। नाइकी नाम से भी उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे क्योंकि वो नाम ऐसा था जो कि जिससे US के कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जानते ही नहीं नाइकी होता क्या है, आया गॉडेस नाइकी के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो एनीवेज वो नाम चला गया और वो जूते छपके आ गए, वो बहुत ही डेस्परेशन में हुआ था, उसके पीछे कोई कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, बस वो बना दिया था। अब वो नाम जाता है और जूते बन के आते हैं। अब जो फिल नाइट है वो सबसे इंटेलिजेंट काम ये करता है कि वो सेलिब्रिटीज़ को मिलना शुरू करता है और उनको पैसे देता है कि तुम ये जूते पहनो, जब भी आप अपना इवेंट करने जाओ या अपना शो अपना गेम खेलने जाओ तो आप ये जूते पहनो और इसको प्रमोट करो।
तो उनके जो सेलिब्रिटीज थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने ऐसा कभी होते देखा नहीं था। उससे पहले वो एड्स करते थे तो उनको पैसे मिलते थे, ये पहली बार था कि उनको जूते दे रहा और कहता है कि पैसे लो और मेरे जूते पहनो। अब जो फैन होते हैं इन सेलिब्रिटीज़ के, वो उस जूते को देखते थे और वो उसको इनैक्ट करने की कोशिश करते थे, तो वही जूते खरीदते थे। तो नाइकी के शूज़ धीमे धीमे पॉपुलर होने लगे। फिर उन्होंने जो एड्स बनाए वो भी बड़े क्रिएटिव थे, बिल्कुल एप्पल जैसे ऐड थे जिसमें क्रिएटिविटी और फीलिंग के बारे में बताया गया। बजाय इसके कोई जूते के बारे में बताएं, वो बताते थे फीलिंग के बारे में, व्हाट इज़ द स्पिरिट ऑफ नाइकी, व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ नाइकी, हाउ डू दे फील अबाउट इट, एंड द बिग क्वेश्चन अबाउट व्हाई व्हिच साइमन सिनेक ऑलवेज टॉक्स अबाउट। बेसिकली ये वो स्टोरी है जो फिल नाइट ने अपनी बुक शू डॉग में बताई है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये किताब मेरे को रैंडमली मिली थी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे बिजनेसमैन के लाइफ के बारे में पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़िए बिकॉज बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन बहुत है। आप खुद सोचिए, किसी बंदे को पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके बाद भी वो सालों तक उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है जस्ट बिकॉज ही हैज़ अ पैशन फॉर दैट बिज़नेस। और एक चीज़ हमें समझ में आती है कि फिल नाइट ने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था जूतों का, जापान से स्टार्ट किया था फ्रेंचाइजी लेने के बाद, उसके बाद 20 साल बाद उसको मैसिव सक्सेस मिली थी जब जाके नाइकी दुनिया का ग्लोबल ब्रांड बन गया था, उसके बाद बहुत पैसे आने लगे थे। तब तक उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे और ही वॉज स्टिल डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, ही वॉज स्टिल इन टू द बिजनेस, ही वॉज स्टिल डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। सो वो जो चीज़ है वो बड़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क, टैलेंट और बाकी चीज़ें सेकेंडरी जाती हैं, आपका परसिस्टेंस और आपका थिंकिंग कि आपको बस आगे बढ़ते रहना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है। सो इस नोट पे मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़िए, फिल नाइट की शू डॉग, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रीड एंड यू मस्ट रीड इट। सो प्लीज़ गो अहेड एंड बाय दिस बुक ऑन अमेज़न। इसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको नहीं मिलती है किताब तो आप उसको ढूंढ लीजिए, शू डॉग बाय फिल नाइट, वेरी इजी टू फाइंड, और इसको ज़रूर खरीदिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपने किताब पढ़ी है तो आपको कैसे लगी और आपको रिव्यू कैसा लगा, और अगर ये किताब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको कैसा लगता है, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको मोटिवेशन फील होता है या आपको अच्छी लगती है, या जितनी मेरे को पसंद है उतनी आपको पसंद है कि नहीं है। मैंने गुड रीड्स पे इसका एक रिव्यू भी किया है, अगर आप वो टाइम मिले तो आप वो जाके ज़रूर पढ़िएगा, और प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, और मेरे इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ कॉमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा।